हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी कुकिंग विद इज़मा। आज मैं लेके आई हूँ चॉकलेट केक का बेसिक स्पॉन्ज। बहुत ही इजी होता है बनाने में भी और बहुत ही फ्लफी और बहुत स्पॉन्जी होता है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम इसे अवन में नहीं बना रहे, इसलिए सबसे पहले एक भगोना लेंगे और उसे स्टैंड तेज करके लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब हमने 4 एग्स लिए और इसे इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एग्स बिल्कुल रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज के नहीं होने चाहिए। और जिस बर्तन में आप इसे बीट कर रहे हैं वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पाउडर्ड शुगर। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल फोमी ना हो जाए और मेक श्योर बिल्कुल भी लम्स ना हो इसमें। और इसे 7-8 मिनट्स तक बीट करेंगे फोमी होने के लिए और स्टिफ पीक तक आने के लिए। जब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप्स मैदा। बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। फिर इसमें जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे मिक्स करते हुए अच्छे से सिव कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सिव हो चुके हैं तो हम अपने एग्स के पास चलते हैं। ये बिल्कुल फ्लफी हो चुके हैं और बिल्कुल स्टिफ पीक तक आ चुके हैं। देखिए, इसे उठाने पे ऐसे रिबन्स भी बन रहे हैं। इसे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें, इसे और ओवर बीट हमें नहीं करना है। अब हम लेंगे 1 कप मिल्क और उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल और इसे 1 मिनट तक माइक्रोवेव में बिल्कुल गर्म कर देंगे, या फिर आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। अब हम अपने ड्राई वनीला, इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट 2-3 बैचेस में डालेंगे और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। हमें ये बात का ध्यान रखना है, इसे ओवर बीट नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल लेंगे वो जो मिल्क हमने माइक्रोवेव के लिए किया था, उसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसे ओवर बीट नहीं करना है हमें, नहीं तो हमारा बैटर बैठ जाएगा। और इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। अब हमने एक केक टिन लिया है, उसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और अपने बैटर को उसमें पोर करेंगे। एयर बबल्स निकालने के लिए मैं नाइफ से बीच में ऐसे कर रही हूँ। अब हम जिसमें प्री हीट किया था उसमें अपने केक को प्लेस कर देंगे और उसे 25-30 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट्स हो चुके हैं तो हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखते हैं केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। हमारा केक कितना स्पॉन्जी हुआ है, वो दबाने के बाद वो ऊपर उठ के आ जा रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। My girl about a 10. I should.
should fuck her in the best. Yeah.